नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित वीडियो सीरीज लेकर मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। 8 चैप्टर पर वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में पब्लिक हो चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इस वीडियो को देखने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप वो सारे वीडियो देख चुके होंगे। यह वीडियो आधारित होगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 9 पर, जो कि आधारित है किस पर? खनिज पर। छत्तीसगढ़ में खनिज से संबंधित चैप्टर ये है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न पर नज़र डालते हैं। आपको ज्ञात होगा कि जो छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण पर जो ये वीडियो सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये MCQ बेस्ड है। हर एक चैप्टर पर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित MCQ डिस्कस करते हैं, जिससे एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आए, साथ साथ में इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी पहचान में आ जाए। चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर ये, अच्छा पहले तो आप ये इमेज देख लें, ये मुख्य बिंदु वाला इमेज है। इसके बारे में मैंने आपको बताया कि हर एक चैप्टर के शुरुआत पर मुख्य बिंदु वाला पृष्ठ आपको देखने को मिलेगा। इस पृष्ठ में चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट को एक जगह पर रख दिया जाता है। जितने भी भागों में, जितने भी उपभागों में चैप्टर डिवाइड होता है, उन सारे उपभागों के इम्पॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट फैक्ट को इस पेज पर रख दिया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ये पेज, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले इस पेज को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन इस पेज से ही आते हैं, या इस पेज में जो फैक्ट दिए गए हैं उसी पर आधारित ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैक्सिमम। ठीक है, चलिए इस पेज पर आधारित सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यह है कि वर्ष 2017-18 में अगस्त 2018, फॉन्ट मिस्टेक है ये, इसे नज़रअंदाज आप करेंगे। ठीक है, अगस्त 2018 की स्थिति में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में राज्य का योगदान है। भारत में जितने खनिज उत्पादित हुए हैं उसमें राज्य का क्या योगदान है? मूल्यों की बात हो रही है यहाँ पर, क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? थर्ड पॉइंट पर देखने को मिलेगा, मुख्य बिंदु वाले पृष्ठ से। वर्ष 2017-18 में अगस्त 2018 की स्थिति में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में, मूल्य की बात हो रही है, राज्य का योगदान 9.3% है। तो सही उत्तर हमें इस प्रश्न का क्या दिखा इस पृष्ठ के आधार पर? तो वह है 9.3%। क्लियर है, पैटर्न समझ में आया, मुख्य बिंदु का इम्पोर्टेंस समझ में आया। इस इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ही इस मुख्य बिंदु वाले पृष्ठ पर आधारित प्रश्न आपके सामने मैं बार बार रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कितना प्रतिशत राजस्व, यहाँ पर राजस्व की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? फोर्थ पॉइंट पर देखने को मिलेगा। कितना? तो लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। कितना? 27.27%। तो सही उत्तर इस प्रश्न का फिर से ए। कई सारे प्रश्नों का उत्तर ए दिखेगा, क्योंकि मैं पैटर्न को समझाने का पैटर्न ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि पैटर्न आप समझ पाए। ठीक है, तो उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने का मैं प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो अननेसेसरली के ऐसे कोई भी क्रियाकलाप ना किए जाए वीडियो में, जिससे आपका समय और आपका माइंड डाइवर्ट हो और जिससे आप थोड़े से डिमोरलाइज हों। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वो क्रिएशन वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। कैसे कथन का? सत्य कथन का चयन करें। कथन आधारित प्रश्न है, कूट रूपी ऑप्शन दिए जाते हैं और सही ऑप्शन हमें चूज करना होता है। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो सेकेंड लास्ट पॉइंट पर देखने को मिलेगा। कुल राजस्व आय में 94% हिस्सा मुख्य खनिजों का एवं 6% गौण खनिज का हिस्सा है। अब पहले वीडियो उसके भांति इस वीडियोस में भी आप, इस वीडियो में भी आप मुझे बताएंगे कि मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के मध्य अंतर क्या है और अंतर का आधार क्या है, और मुख्य खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से खनिजों को रखा जाता है और गौण खनिजों के अंतर्गत कौन कौन से खनिज सम्मिलित होते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन पर
कमेंट करके मुझे बताएंगे। जैसे एक टू वे कम्युनिकेशन मुझे देखने को मिले, आपके कमेंट एक मोटिवेशन के तौर पर कार्य करते हैं, एक ऊर्जा के तौर पर कार्य करते हैं, जिससे ऐसे कई अन्य नवाचार इनिशिएटिव आपके लिए लाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो इसलिए कमेंट सेक्शन पर आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। ज़रूर वो थोड़ा समय का ही बात हो, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका कमेंट। क्लियर है? चलिए तो देखिए, कुल राजस्व आय में 94% हिस्सा किसका है? मुख्य खनिज का। तो पहला कथन भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि इसमें 6% हिस्सा गौण खनिजों का है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में सत्य कथन का चयन करें। अगर असत्य पूछा जाता तो मामला कुछ दूसरा होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इमेज में हमें 2017-18 के उत्पादन पर आधारित जानकारी दी गई है। खनिज दिए गए हैं और उसके बाद उन खनिजों के उत्पादन का देश में हिस्सेदारी कितना है ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर बात करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। अब यहाँ पर मूल्य की बात नहीं हो रही है, इसमें उत्पादन की हिस्सेदारी की बात हो रही है। देखिए, मूल्य पर हिस्सेदारी, उत्पादन पर हिस्सेदारी और भंडार में हिस्सेदारी, ये तीनों अलग अलग आंकड़े हैं, तीनों अलग अलग अवधारणाएँ हैं, तो इससे आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आप देखे थे वो मूल्य पर आधारित था पिछले स्लाइड पर। इस स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं ये उत्पादन में छत्तीसगढ़ के हिस्सेदारी पर आधारित प्रश्न दिख रहा है। तो क्वेश्चन के आधार पर जो पूछा गया है किस खनिज के बारे में पूछा गया है, तो कोयले के बारे में पूछा गया है। और कोयले का हिस्सेदारी कितना दिख रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में? तो 21% दिख रहा है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 21%। ठीक इसी प्रकार से अन्य खनिजों के उत्पादन हिस्सेदारी की जानकारी भी पूछी जा सकती है कई प्रकार के प्रश्न के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का, फॉन्ट मिस्टेक है, बार बार कह रहा हूं, व्याकुल विचलित और चिंतित नहीं होंगे। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों के उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से को सुमेलित करें, किस पर आधारित है? मैच द फॉलोइंग पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको खनिज दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके हिस्सेदारी के प्रतिशत दिए गए हैं। तो कोयले का तो हमें पता है कितना है, 21%। लौह अयस्क का कितना है? तो यह है 17.19%। और चूना पत्थर का कितना है? तो 10.74%। तो ए का 1, बी का 2 और सी का 3। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है? तो इस इमेज के माध्यम से ये दो प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पैटर्न समझ गए। अब हम GSDP पर योगदान की बात करने वाले हैं। ठीक है, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण स्थिर भाव 2011-12। GSDP में खनन एवं उत्खनन अर्थात क्वेरिंग एंड माइनिंग की बात यहाँ पर दी गई है। ठीक है, चलिए ये रहा वो इमेज। अब जैसा कि आप लोग ऐसे इमेजेस वानिकी में भी देखे होंगे, कृषि में भी देखे होंगे, तो इस इमेज में हमें कौन कौन सी चीज़ याद रखनी है? तो मुख्य रूप से हमें वृद्धि प्रतिशत और योगदान के प्रतिशत को याद रखना है और साथ ही साथ मौद्रिक मूल्य को भी याद रखना है। लेकिन जो ये आंकड़े हमें याद रखने हैं ये लेटेस्ट वाले याद रखने हैं, नवीनतम वाले याद रखने हैं। और आर्थिक सर्वेक्षण में नवीनतम कॉलम हमें ये दिख रहा है 2019-20 का अग्रिम अनुमान एडवांस एस्टिमेट। क्लियर है? चलिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर यह है कि खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य उत्पाद में भागीदारी का वर्ष 2019-20 में योगदान प्रतिशत है। भागीदारी पर प्रश्न है ये, योगदान पर 19-20 में, और क्या है इसके आंकड़े? 11.72%। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दिए गए सारे ऑप्शन में? 11.72%, अर्थात ऑप्शन ए। चलिए अब इसी तरीके का प्रश्न हम वृद्धि के आधार पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर भागीदारी लिखा हुआ है लेकिन वृद्धि आधारित ये प्रश्न होगा। ठीक है, करेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा आप इसे, इतना कष्ट तो आप कर ही सकते हैं। वृद्धि
ठीक है। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का वर्ष 2019-20 में वृद्धि प्रतिशत है, ठीक है, और वह कितना है? 5.45%, जो कि दिया हुआ है कहां पर? ऑप्शन सी में। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5.45%। अब यहां पर हम देखते हैं अगला पैटर्न क्वेश्चन का इस टेबल के आधार पर, ठीक है। देखिए, सामान्य तौर पर तो हमें ये वाला टेबल याद करना होता है, ये वाला कॉलम याद रखना होता है, लेकिन क्या बाकी सारे जो कॉलम में आंकड़े दिए गए हैं वो वेस्ट होते हैं क्या? नहीं, उस पर आधारित इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, प्रवृत्तियों पर आधारित। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति रही है, भागीदारी की प्रवृत्ति की बात हो रही है। चलिए समझते हैं, अगर पिछले 5 सालों का हम यहाँ पर देखें, 5 से 6 सालों का अगर हम देखें, तो क्या दिखता है कि पहले बड़ा है पॉजिटिव, ठीक है, फिर उसके बाद घटा है, ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ा है, और उसके बाद फिर से और बढ़ा है, फिर बढ़ा है, और फिर बढ़ा है। तो अगर विगत 3 वर्षों का पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रवृत्ति में चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। लेकिन अगर पीछे ले लिया जाए, पूरे 5-6 सालों का ले लिया जाए, तब आप क्या कहेंगे? उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। देखिए, पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर, अगले टॉपिक पर हम नजर डालते हैं, और मुख्य खनिज के उत्पादन पर आधारित ये प्रश्न है, ठीक है, या ये जानकारी है। ये रहा इमेज, यहाँ पर आपको मुख्य खनिजों के नाम दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में उत्पादन एवं उनके मूल्य दिए गए हैं, भारत में उत्पादन और मूल्य दिए गए हैं, और फिर योगदान का प्रतिशत दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ में जो उत्पादन हुआ है या कितना हिस्सा बनता है भारत के उत्पादन पर, उसका प्रतिशत यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और ये साथ ही साथ कुल खनिज उत्पादन का मूल्य भी यहां पर दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, धीरे धीरे से चलते हैं। ये 2017-18 पर आधारित है, ये अप्रैल 18-19 तक के आंकड़े इस इमेज में देखने को मिलेंगे। वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत है? वर्ष 2017-18 की बात हो रही है, तो ये रहा वो फैक्ट जिस पर हमें नजर केंद्रित करना होगा, ठीक है। योगदान का प्रतिशत क्या? देखिए, मूल्य पर आधारित है ये टेबल, योगदान का प्रतिशत 2017-18 में कितना है? 15.66%। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 15.66%। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और राजस्व आय पर आधारित जानकारी और प्रश्न हम देखते हैं। ये रहा मुख्य खनिज एवं गौण खनिज के आंकड़े, प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद हम इस इमेज पर चले आएंगे। वर्ष 2018-19 में मुख्य खनिज की वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रही थी? ठीक है, मुख्य खनिज की वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रही थी? उत्तर क्या होगा? यहां पर दिया हुआ है 22.71%, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे 22.71% मूल्य में हमें ये वृद्धि देखने को मिल रही है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? ऑप्शन ए, 22.71%। ठीक इसी प्रकार से हम गौण खनिज पर आधारित प्रश्न भी देख लेते हैं कि वर्ष 2018-19 में गौण खनिज की वृद्धि दर प्रतिशत कितनी रही, ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? तो जब हम इस इमेज के निचले भाग पर आएंगे तो यहां पर गौण खनिज के बारे में जानकारी है और वृद्धि दिया गया है यहां पर 40.66%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 40.66%। क्लियर है? तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था कि मुख्य खनिज के अंदर कौन कौन से खनिजों को सम्मिलित किया जाता है एवं गौण खनिज के अंदर कौन कौन से खनिजों को सम्मिलित किया जाता है, उसका उत्तर आप इस इमेज के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन यहां से कॉपी नहीं करना है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण की बुक उठाइए, PDF उठाइए, जो भी आप जहां से भी उसके मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण को एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे जरूर। इस वीडियो को देखने के साथ साथ में आर्थिक सर्वेक्षण पर आपको नजर डालना जरूर है। अगर आपको ये सारी चीजें लंबे समय तक याद रखनी है तो, या एग्जाम तक याद रखनी है तो, जितनी ज़्यादा बार आप इन सारे चीज़ों से गो थ्रू होंगे, जितनी ज़्यादा बार आप इनको देखेंगे, इनमें नज़रें डालेंगे, उतना ज़्यादा संभावना बन जाता है कि ये सारी चीज़ें आपके मनस पटल पर हमेशा चस्पा रहें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मुख्य खनिज और इस तरफ आपको रॉयल्टी देखने को मिल रहा होगा। अब ये रॉयल्टी दर या रॉयल्टी रेट क्या होता है ये भी आप कष्ट करके कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुख्य खनिजों में सर्वाधिक रॉयल्टी दर वाला खनिज है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है खनिज रॉयल्टी रेट और सबसे ज़्यादा दिख रहा है किसका, आयरन ओर का, ठीक है। 450 रुपये आपको देखने को मिल रहा है, राशि प्रति टन होता है, ये सबसे ज़्यादा आयरन ओर का होगा, ठीक है। इसलिए आंसर ऑप्शन ए आयरन ओर विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित मुख्य खनिजों को उनके रॉयल्टी दर के अनुसार व्यवस्थित करें, तो सबसे ज्यादा किसका है, तो आयरन ओर का, तो ये पहले नंबर पर हो गया। फिर किसका है, कोयले का, तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। फिर किसका है, बॉक्साइट का, तो ये तीसरे नंबर पर हो गया। तो आयरन ओर पहले, फिर कोयला और फिर बॉक्साइट, तो पहला ऑप्शन ही हमें सही क्रम दिखा रहा है रॉयल्टी दर के आधार पर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इमेज, इस इम्पॉर्टेंट इमेज और जानकारी पर आधारित प्रश्न हम देखते हैं। राज्य में किस वर्ष मुख्य एवं गौण ब्लॉक्स की ई नीलामी का कार्य संचालित है। देखिए ई नीलामी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, ठीक वैसे ही अगर आप समझ रहे होंगे तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण को जब हम देखते हैं तो लगभग 400 से ज़्यादा पृष्ठों की एक सरकारी किताब है जिसमें आंकड़े ही आंकड़े भरे होते हैं और सारे ही आंकड़ों को याद कर लेना सामान्य तौर पर पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमें क्या ज़रूरी है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट और इम्पॉर्टेंट कंटेंट को पहचानने की कोशिश करें। अब देखिए ई नीलामी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था और इस महत्वपूर्ण पहल या कदम पर आधारित जो भी आंकड़े हमारे सामने आएंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। तो हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहचानना होगा और उसके बाद समझ में आएगा कि हमें इसके आंकड़ों को पढ़ना है और नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के आंकड़ों को नहीं याद रखना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर क्या होगा इसका, तो नवीन खनिज अधिनियम नियमों के तहत मुख्य खनिज ब्लॉक्स का ई नीलामी के माध्यम से वर्ष 2015 से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, ठीक है। नीलामी वर्ष 2015 से किया जा रहा है सफलतापूर्वक, तो राइट आंसर ऑप्शन ए क्योंकि यहीं पर दिया गया है वर्ष 2015, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास पर हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। भारत सरकार खान मंत्रालय द्वारा खान एवं खनिज अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास दिनांक 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया। देखिए कब किया गया, दिनांक 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया, ठीक है। समस्त 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है और यह जो लाइन है यह भी बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन सी 1 एवं 2, दोनों ही कथन सही है, ठीक है। यह आपको देखने को मिलेगा, समस्त 27 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डीएमएफ के बारे में बात करते हैं। डीएमएफ फंड क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। डीएमएफ फंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, ठीक है। इसलिए डीएमएफ से रिलेटेड जितने भी कंटेंट दिखेंगे, फैक्ट दिखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव वो कंटेंट, वो फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब डीएमएफ के बारे में जब आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि डीएमएफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप स्वयं ये महसूस कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएमएफ अंतर्गत आदर्श ग्रामों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। चलिए क्या क्या कथन दिए गए हैं, तो राज्य में खनन प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे ग्राम जिनके अंतर्गत मुख्य खनिज के खदान स्थित हैं अथवा जो ग्राम खदानों के परिक्षेत्र में स्थित हैं वहां विकास की योजनाओं का समग्र क्रियान्वयन करके उन ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाना। देखिए एक उद्देश्य तो मैंने बता दिया डीएमएफ का, लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसे और इलेबोरेटिव वे में बताएंगे, ठीक है। दूसरा कथन कहता है अब तक 14 जिलों के 200 ऐसे ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिएगा आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं
हो सकता है कि ये जो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में दिख रहे हैं उससे अलग आंकड़े भी आ चुके होंगे, ऑथेंटिक सोर्स से आ चुके होंगे, लेकिन उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो आधारित है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो सिर्फ उसी फैक्ट पर बात हो रही है जिस फैक्ट का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण के किसी न किसी चैप्टर या किसी न किसी पृष्ठ में किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो क्या ये दोनों ही सही है स्टेटमेंट? तो देखिए यहां पर क्या है, अब तक 14 जिलों के 100 ऐसे ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है, तो दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, तो सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही। ठीक है, ये राइट को आप नजरअंदाज करें तो सही उत्तर केवल एक सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौह अयस्क परियोजना पर आधारित प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, CMDC की बात हो रही है कि लौह अयस्क परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। क्वेश्चन सेम सेम दिख रहा होगा, पैटर्न सेम सेम दिख रहा होगा, लेकिन जरूरी है क्वेश्चन के साथ साथ में मुझे ये भी तो इंश्योर करना है, ये भी तो सुनिश्चित करना है कि आप की नज़र उस इम्पॉर्टेंट कंटेंट पर चिपके जिस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं या उसका इम्पॉर्टेंस है। सिर्फ प्रीलिम्स के आधार पर नहीं, मेंस के दृष्टिकोण से भी ये सारे जो कंटेंट दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण की किताब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस उद्देश्य के सुनिश्चित करने के लिए भी इन सारी चीज़ों पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए, CMDC की मुख्यतः तीन लौह अयस्क परियोजनाएँ हैं, क्लियर है? वे तीन लौह अयस्क परियोजना बैलाडीरा, आरी डोंगरी तथा कबीरधाम लौह अयस्क है। कौन कौन से हैं? बैलाडीला, आरी डोंगरी और कबीरधाम लौह अयस्क। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही। तो इस प्रकार से इस चैप्टर से आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट थे उन सारे कंटेंट को हमने एक बार देख लिया, उस कंटेंट पर किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो भी हमने देख लिया, बाकी के चैप्टर्स पर आधारित वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चिंतित नहीं होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, हमेशा की तरह। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।